com में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णपाल राठौर। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अरुण अग्रवाल, जाने माने कैंसर स्पेशलिस्ट हैं इंदौर में। आपको बता दें कि 34 साल हो गए हैं इनको इस फील्ड में काम करते हुए। बड़ा ही सौभाग्यशाली होगा इंदौर के इनके हाथों से इलाज करवाता है। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपको बता दें कि मैराथन में दौड़ लगाने वाला है इंदौर 3 फरवरी को। अगर आप भी आना चाहें तो बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेंट्स कीजिए और अपना आपको मजबूत बनाइए। एक मजबूत इंदौर स्वच्छता में मजबूत बन चुका है। साइक्लोथोन में हमने दम दिखा दिया है, अब मैराथन की बारी है। सीधे सर के पास चलते हैं। सर, कहां से शुरू हुआ था मैराथन? मैराथन हम लोगों ने 2014 के अंदर हम लोगों ने एकेडमी ऑफ इंदौर मैराथनर्स बनाया था। उसके पहले 2011 से हम बॉम्बे जाना शुरू करा। हम लोगों ने पहले एडिशन में हम कुछ 12 लोग गए, फिर दूसरे एडिशन में 27 लोग गए, और इन्हीं रनर्स के अंदर ही हमने कुछ लोगों को पकड़ लिया। और हमने ये देखा कि क्यों इतनी दूर लोग पैसा खर्च करके जाएं, वहाँ पैसा भी बहुत लगता है, आना जाना, बॉम्बे में ठहरना, दिल्ली में ठहरना। तो हमने ये विचार करा कि इंदौर में क्यों नहीं मैराथन कराई जाए। और इंदौर में सबसे पहले मुझे लोगों ने डिस्करेज करा कि बोले इंदौर तो खाने पीने का शहर है, या तो कचौरी समोसे और पोहा चलता है ज्यादा, और लोग पैसा दे के बोले डॉक्टर साहब आप मैराथन कराओगे तो कैसे मैराथन होगी। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, अपन चूंकि काम बहुत अच्छा है, क्योंकि मैराथन कराने में पैसा भी लगता है। तो जब भी हम मैराथन कराते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन फी भी रहता है, नॉमिनल फी रहता है। और 2014 के अंदर हम लोगों ने एकेडमी फॉर्म करी। हम लोगों का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एकेडमी ऑफ इंदौर मैराथनर्स। इसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट्स हैं जी। और हम लोग और 2015 के अंदर हमने पहला संस्करण इसका दिया, फर्स्ट एडिशन 2015 में। और हर फर्स्ट संडे ऑफ फरवरी डिसाइडेड है कि इंदौर मैराथन होगी। अभी तक हम 4 संस्करण कर चुके हैं और ये फिफ्थ एडिशन है, जो 3 फरवरी अगले संडे जो 3 फरवरी है उसको होने जा रहा है फिफ्थ एडिशन। सर, माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश का अभी तक का सबसे बड़ा मैराथन होने वाला है 3 तारीख को। इतिहास रचेगा इंदौर एक बार फिर? बिल्कुल इतिहास रचेगा, जैसे स्वच्छता के अंदर इंदौर ने इतिहास रखा और हैट्रिक की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। वो हम चाहते हैं कि शहर के लोग, इंदौर के आसपास के जितना अपना जो वेस्टर्न एमपी है, पूरा जो मालवा का बेल्ट है, हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन वही है। और इस मालवा के बेल्ट में हम चाहते हैं कि लोग उसके अंदर स्वस्थ रहें और बीमारी से दूर रहें जी। आपको ये ज्ञात होगा कि आजकल छोटी उम्र के अंदर भी मोटापा बढ़ रहा है, गंभीर बीमारियां उसके द्वारा उत्पन्न हो रही हैं। हम उसके अंदर कैंसर देख रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर देख रहे हैं, डायबिटीज देख रहे हैं। इंडिया अनफॉर्चुनेटली इज डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हर सातवें इंडियन जो है, 7th इंडियन इज डायबिटिक, एंड एवरी 5th इंडियन इज प्री डायबिटिक। तो इतना ज्यादा बढ़ रहा है और छोटी उम्र में देख रहे हैं हम लोग, इवन कॉलेज स्टूडेंट्स एंड स्कूल स्टूडेंट्स में भी हम लोग ये गंभीर बीमारियों को देख रहे हैं। और इन बीमारियों से 70% 80% ये लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं। इससे हम 70% से 80% तक इससे हम बच सकते हैं। बिल्कुल सिंपल वॉकिंग, जॉगिंग और रनिंग करना सबसे सिंपल एक्सरसाइज है। उसके लिए आपको कोई महंगे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं है, उसमें कोई जिमनेजियम की जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ एक, आजकल तो इवन जूते की भी जरूरत नहीं है, लोग तो बैरफुट रनिंग करते हैं, बिना जूते के भी करते हैं। यह सिंपल एक जूता ले लें और आप घर के बाहर निकल जाए, कहीं पर भी आप दौड़ सकते हैं। और वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, क्योंकि हम इनबोर्न रनर्स हैं, हमारे हर आदमी के अंदर एक दौड़ने की एक वो आर्ट है जो हम भूलते जा रहे हैं समय के साथ। आजकल मोटरसाइकिल आ गई है, स्कूटर आ गई है, हम जरा सा दूर होता है तो हम वो यूज नहीं करते, साइकिल को यूज नहीं करते हैं। आदि हो चुके हैं ना सर लोग? हाँ, आदि हो चुके हैं सिविलाइजेशन के साथ साथ। जैसे संपन्नता बढ़ती जा रही है तो उसके साथ साथ ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। और यंगस्टर्स आजकल बिल्कुल भी आउटडोर एक्टिविटीज में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो आजकल कंप्यूटर है, मोबाइल है, उसमें लगे रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य था ये इसका कि कैसे भी समाज के अंदर हम इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और इसको एक रनिंग रिवॉल्यूशन के रूप में पूरा पूरा वेस्टर्न एमपी के अंदर लाएं। और उसके अंदर हम काफी हद तक सफल भी हो गए हैं, क्योंकि करीब करीब 18,000 से 20,000 लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। क्या बात है सर, इस बार का क्या नया करने जा रहे हैं? हर बार एक नया थीम होता है, इस बार आपने क्या सोचा है? हमारा सोशल थ्रस्ट रहता है हमेशा। हम लोगों ने स्टार्ट करा था क्लीन इंदौर, ग्रीन इंदौर, हेल्दी इंदौर, वहां से करा था। फिर हमने टेबेको फ्री हेल्दी इंदौर, तंबाकू रहित इंदौर से करा था सेकंड एडिशन में। तीसरे इंदौर के अंदर करा था फिट इंदौर, स्मार्ट इंदौर। ऐसा करके हमारा हर साल एक सोशल थ्रस्ट रहता है। इस बार ही हमारा जो सोशल थ्रस्ट है, बी अ लाइफ चेंजर, गिफ्ट अ रन टू समवन, मेक समवन अ नॉन रनर अ रनर।
जो आदमी दौड़ता नहीं है, जो स्वास्थ्य के प्रति यदि उसमें उतनी चेतना नहीं है, यदि उसको हम स्वास्थ्य के प्रति चेतना देते हैं, वो इंदौर मैराथन में पार्ट लेता है तो वो उसको एक नई उमंग मिलती है और नया उसको एक जोश मिलता है। बिल्कुल। और ये व्यक्ति वो है कि जो डिप्राइव्ड है, मतलब हमारे घर में जो काम करता है, हमारा स्टाफ है, हमारा नौकर है, हमारा चौकीदार है, हमारा एम्प्लॉय है, यदि उनको हम आगे इसके अंदर करते हैं तो उनको एक तो लगता है कि हम इक्वलिटी, क्योंकि वो लोग सोचते नहीं है इसके बारे में, तो वो भी आता है। और दूसरा, वो लोग भी बीमार कम होंगे, उनमें भी बीमारियां बढ़ रही है, तो वो भी बीमार कम होंगे, वो आपके लिए अच्छा काम कर पाएंगे। बिल्कुल सर, एक मेरे मन में सवाल उठता है कि हैंडीकैप्ट भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हैंडीकैप्ट हर साल करते हैं। रजपाल जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे से। इस बार हमारे स्टेट के बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो इसके अंदर पार्ट ले रहे हैं। इस बार आप ट्राईसाइकिल भी देखेंगे, ट्राईसाइकिल करीब 25 ट्राईसाइकिल के लोग आ रहे हैं जो गीता भवन चौराहे से नेहरू स्टेडियम तक जाएंगे। इसमें ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स आ रहे हैं, किडनी, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है वो लोग आ रहे हैं। इसमें डेफ एंड डम भी आ रहे हैं, कुछ ब्लाइंड स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, कुछ मेंटली चैलेंज्ड लड़कियां आ रही हैं, कुछ अपनी मॉम्स आ रही हैं जो बच्चों को गोदी में, जो ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, जिनके बच्चे 6 महीने से छोटे हैं, वो गोदी में लेके, बच्चों को गोदी में लेके वॉक करेंगे नेहरू स्टेडियम तक। इंदौर दिखाएगा अपना दम, अपना दम दिखाएगा कि हम लोग जब कर सकते हैं, जिनको कैंसर हो चुका है, जिनके घुटने बदल चुके हैं, जिनका किडनी बदल चुका है, जब वो पार्ट ले सकते हैं तो आप क्यों नहीं पार्ट ले सकते। बिल्कुल सर, एक और मेरा सवाल था, महिलाएं काफी आगे बढ़ रही है इंदौर में ही नहीं, मैं तो इंडिया का नाम लूंगा, महिला काफी सालों से हम देख रहे हैं कि एक अहम रोल निभा रही है, तो क्या मैराथन में भी महिलाओं का बहुत बड़ी संख्या के अंदर महिलाएं धीरे धीरे हम देखते जा रहे हैं कि बड़ी संख्या के अंदर महिलाएं निकल रही हैं। अभी शहर के अंदर आप कहीं भी जाएंगे, किसी मैदान में जाएंगे, सड़कों पे आपको लड़के लड़कियां दौड़ते हुए दिख जाएंगे, तो एक बहुत अच्छा ट्रेंड आ रहा है साइकिलिंग का और दौड़ने का, और इसमें हम हमारे मेरे पेट्रन जो श्री कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, उनको स्पेशली धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनका वरद हस्त हमारे ऊपर है, एकेडमी ऑफ इंदौर मैराथन के हमारे पेट्रन है वो, और उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है हमको इस चीज को आगे बढ़ाने के अंदर। जी, साइक्लोथोन में भी हमने देखा था कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था इंदौर ने, और अब मैराथन की बारी है। मैराथन में देखने वाली बात होगी कि कितने लोग आते हैं, लेकिन इंदौर हमेशा नंबर वन रहा है। इस बार भी उम्मीद करते हैं कि आपकी मेहनत और लोगों की मेहनत रंग लेके आए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और सर से बस एक सर छोटा सा क्वेश्चन जो मेरे मन में पर्सनली उठता है, क्या आप सजेशन देना चाहेंगे लोगों को, कैंसर जैसे पीड़ित लोग जो होते हैं उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? अपना जीवन की शैली के अंदर अपना बदलाव करें। एक तो उसके अंदर एक्सरसाइज है जो वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, अब इंदौर मैराथन में indoremarathon.in में रजिस्टर करके आप उसको पार्ट ले सकते हैं। सिर्फ 2-3 दिन बचे हैं, तो इमीडिएटली मैं अपील करूंगा जो मेरी बात सुन रहे हैं कि वो इसको रजिस्टर करें। तो एक तो हो गया अपना एक एक्सरसाइज की बात होगी, जैसे कि आप अपना फिट रहेंगे, और नॉट ओनली फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस भी होती है, क्योंकि आपका मेंटल फिटनेस होती है, आपकी पॉजिटिविटी आती है, वो हेल्प करता है आपको, आपको खुशी मिलती है। उसके साथ साथ आप खाने में ध्यान रखिए, जंक फूड से दूर रहिए, तली चीज़ों से दूर रहिए, नॉन वेजिटेरियन बहुत ज़्यादा जो होता है, स्पेशली जो रेड मीट होता है वो नुकसान करता है। फिर आप तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, शराब, अल्कोहल, इन चीज़ों से दूर रहिए, और आखिर में स्ट्रेस फ्री जिंदगी, आपको एक खुशी होनी चाहिए, आपको चिंताएं नहीं होनी चाहिए जी। और उसमें जो रनिंग और जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है, और आप यू बिकम वेरी वाइब्रेंट एंड पॉजिटिव, और ये चीजें आपको इन बीमारियों से बहुत दूर रखती है, स्वस्थ रखती है। यानी कि खुश रहिए और खुशियों को बांटिए। 34 साल हो गए सर को खुशियां देते, उम्मीद है आप भी मैराथन में पार्टिसिपेट करेंगे। आप देखते रहिए ghamasan.com। शुक्रिया करता है ghamasan.com हम सर का, अरुण जी अग्रवाल इनका नाम है, 34 साल से मानव सेवा में लगे हुए हैं, और अब मैराथन की बारी है। 3 तारीख को आप भी बिना थके दौड़ करके दिखाइएगा, क्योंकि इंदौर दौड़ने में भी नंबर वन आना चाहिए, साइक्लोथोन और स्वच्छता में हम नंबर वन आ चुके हैं। शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें।